छत्तीसगढ़ विधानसभा में कानून व्यवस्था पर हंगामा हुआ है। शून्यकाल में बीजेपी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने काम रोको प्रस्ताव लेकर आई और 15 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी। माफिया राज, हत्या और चाकूबाजी की घटना पर चर्चा पर मांग की गई है। बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा ने सदन में यह मुद्दा उठाया है। बीजेपी के सदस्यों को जनता कांग्रेस का साथ मिला है। धर्मजीत सिंह ने कानून व्यवस्था पर चर्चा को जरूरी बताया है। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया गया और उसी दौरान बीजेपी ने जमकर हंगामा किया है। कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल प्रदेश में खड़े हो रहे थे और जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी पहले ही तैयारी में आई थी। आदित्य नामदेव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। आदित्य, पहले ही बीजेपी ने तैयारी की थी कि ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर हम सरकार को घेरेंगे और कानून व्यवस्था जो कि लगातार चरमराती दिखाई दी है, बीजेपी ने आज उसी मुद्दे पर सरकार को घेरा है। देखिए, तीन महत्वपूर्ण विषय आज सदन के पटल पर आए। जैसे ही सदन आज शुरुआत हुई, सबसे पहले जो दिवंगत नेता थे जिनका निधन अभी इस दौरान हुआ है, पिछले विधानसभा सत्र से लेकर अभी तक उनको सबको श्रद्धांजलि दी गई, चारों दिवंगत नेताओं को जिनका निधन पिछले विधानसभा से लेकर इस विधानसभा में हुआ। उसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, कृष्णमूर्ति बांधी जो मसूरी के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में खनिज न्यास निधि से आवंटित राशि को लेकर सवाल उठाया, उसमें मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि अभी तक कितना कर्ज लिया गया छत्तीसगढ़ में, उसकी जानकारी जो है वो मांगी गई और सदन में उसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी कि अब तक 36,170 करोड़ रुपए का कर्ज मुख्यमंत्री बनने के बाद, ये सरकार आने के बाद सरकार ने लिया है। इसके अलावा काम रोको प्रस्ताव आया शून्यकाल में। जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ 12 बजे काम रोको प्रस्ताव आया, बीजेपी ने काम रोको प्रस्ताव लाया जिसमें 15 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी थी। सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार खराब हो रही है। छत्तीसगढ़ के अजय चंद्राकर जो वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकारी संरक्षण में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, साइबर ठगी का पसंदीदा स्थान बन गया छत्तीसगढ़। तो ये सब चीजों को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भी साथ मिला है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के केवल 14 विधायक हैं। धर्मजीत सिंह ने भी साथ दिया, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक दल के नेता है धर्मजीत सिंह। और उसके बाद कर्ज के ऊपर बात हुई है, मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी दी कितना कितना कर्ज लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए विधानसभा जो लगातार चल रही है, विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल तो स्थगित हो गई है कल तक के लिए, और चूंकि आज के महत्वपूर्ण विषय सभी सदन के पटल पर आ गए और आज मुख्यमंत्री को सिवनी भी जाना है मध्य प्रदेश के, तो आज विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, कल तक के लिए स्थगित हो गई है। और निश्चित तौर पर ये पूरी जो बातें आ रही हैं वो कल भी उठेंगी, कल 24 तारीख है, कल भी कई स्थगन प्रस्ताव आने हैं, शून्यकाल में बहस होनी, कई प्रश्न जो लगे हैं विधायकों के लगे हैं, खुद कांग्रेस विधायकों ने सवाल लगाए अपनी सरकार के खिलाफ, तो लगातार ये चीजें चलती रहेंगी। लंबा सत्र है, आज दूसरे दिन की शुरुआत हुई थी निधन उल्लेख के साथ और आज दूसरे दिन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। चलिए, आप हमारे साथ पे बने रहिए, आपसे और जानकारी विधानसभा के सत्र को लेकर ही लेंगे कि किस तरीके से विधानसभा सत्र में सरकार जवाब दे रही है और लगातार बीजेपी की ओर से निशाना साधा रहा है।